नमस्कार आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है मैं हूं सौरभ शर्मा बहुत स्वागत है आप सभी का 2024 की ओर बढ़ते हुए चुनाव की ओर जाते हुए यूं तो हर राज्य हर गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन एक बड़ा राज्य जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा भी है वहां जो पॉलिटिकल समीकरण बन रहे हैं बिगड़ रहे हैं दुश्मन दोस्त बन रहे हैं जो साथी थे वो बिछड़ गए हैं वो दूसरी ओर चले गए हैं वो राज्य है महाराष्ट्र अब महाराष्ट्र कितना महत्वपूर्ण है खासकर के एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए आप ये समझिए कि 48 में से 41 सीटें 2019 में गठबंधन जीता था तब उद्धव ठाकरे साथ थे खैर उसके बाद बहुत पानी बह चुका गंगा लेकिन अब जो नए साथी आए हैं क्या उनके साथ महाराष्ट्र दोहराया जा सकता है और महाराष्ट्र दोहराना ही पड़ेगा अगर दो दोहराना है तो तो देश की राजनीति पर और खासकर महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद और मुंबई से आती हैं पूनम महाजन जी पूनम जी बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो जैसा मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग टाइम्स में हम लोग जी रहे हैं गठबंधन भी बन रहे हैं और अभी तो एक नया गठबंधन हमारे सामने सामने बना है छब्बीस पार्टियों वाला इंडिया उस पर आपसे जरूर आपकी राय लेनी है लेकिन पहला सवाल यह आप अपनी पार्टी का पक्ष बड़ी कॉन्फिडेंटली रखती हैं नौ साल सरकार चलाने के बाद कोई भी नेता कोई भी गठबंधन कोई भी सरकार उसके पीछे एक एंटी इंकम्बेंसी ना सही लेकिन कम से कम यह तो दिखता है कि क्या वादा किया था क्या हुआ कितना काम हुआ उस लिहाज से आपकी पार्टी का जो आत्मविश्वास दिखाई देता है कहीं ज्यादा तो नहीं अति विश्वास तो नहीं है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं उसको जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस ये पार्टी का नहीं है ये जनता के प्यार का है और आपने एंटी इनकम्बेंसी कहा लेकिन मुझे मैं कहना चाहती हूँ प्रो इनकम्बेंसी जहाँ कहाँ हम छोटे छोटे कार्यकर्ता जनता में जाते हैं छोटी छोटी बातों में नौ साल में क्या हुआ क्या बोला क्या नहीं हुआ किसी ने ये नहीं बोला कि तुमने ये बोला था पूनम और ये नहीं हुआ मोदी जी ने उन्होंने कहा वाह मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी मुझे घर मिल जाएगा वहाँ मैंने सोचा नहीं था कि अनाज मेरे घर तक पहुँच जाएगा वहाँ मैंने सोचा नहीं था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक स्टूडेंट हो या महिला गरीब हो जो विधवा हो या कोई हमारे आर्मी पर्सनल हो उनको उनकी पेंशन मिल जाएगी ऐसी अनगिनत चीज़ें जो वादे करके बहुत लोग देखते थे क्योंकि जनता भी कभी कभी शोषित हो जाती है कभी कभी उनमें भी आत्मविश्वास कम हो जाता है क्योंकि इतनी पार्टियों ने राज किया और काफ़ी कुछ कहा लेकिन किया नहीं लेकिन जब मोदी जी को सब देखते हैं जो बोला वो किया और हर वो को कहते हैं जहाँ पे हम भूमि पूजन करते हैं वहाँ की इमारत बना के ही दिखाते हैं पहले तीस तीस साल इमारत नहीं वहाँ पर ईट नहीं बनती थी आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप से देखेंगे तो जहाँ पर शुरुआत हुई है मतलब दो साल पहले इमारत बनाने की भूमि पूजन कर दिया वहाँ पे नारियल चढ़ा दिया दो साल में वो इमारत तैयार है तो जनता के लिए वही एक फाउंडेशन स्टोन से लेके वो एक विकास की इमारत हम कर रहे हैं मुझे लगता है वही आत्मविश्वास जनता हमें देती है और वो आत्मविश्वास हमें और ज़्यादा काम करने के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं हमने नौ साल में फला किया फला किया हम रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं आपने जो हमसे अपेक्षा की थी कि नौ साल में आपने ये बोला करके दिखाऊँ वो हमने ज़रूर किया नौ साल सरकार चलाने के बाद खास तौर तो पर जब नेता मंत्री लोग जाते हैं जनता के पास तो थोड़ा डर भी होता है अंदर कि भाई कैसे लोग लेंगे आप लोग जाते हैं आप जाती हैं पूरे कॉन्फिडेंस से जाती हैं बहुत प्यार कॉन्फिडेंस नहीं मैं बहुत हम्बलनेस से जाती हूँ क्योंकि हमें यही सिखाया गया है मोदी जी जब भी कभी हमारी एम की बैठक लेते हैं हमसे मिलते हैं और बहुत वन ऑन वन जब बात होती तो वो यही कहते हैं कि आप लाखों लोग और करोड़ों लोगों से चुन के आए हैं जनता ने आप पे विश्वास रखा है तो जब कहनी कथनी और करनी में फर्क है तो भाजपा के संस्कार है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं तो जब नेता खुद जो 24 साल से छुट्टी नहीं ले चुके हैं जो 24 घंटा जनता के लिए अविरत हर वक्त काम करते हैं उन प्रधानमंत्री को देख के हम तो कुछ नहीं करते मुझे लगता लेकिन कोशिश यही करते हैं कि आने वाले समय में वही नम्रता लेके जनता तक जाए और काम का आत्मविश्वास जरूर था उसी की बात कर जाए जी सो नम्रता से जाते हैं और काम का आत्मविश्वास और उनका प्यार लेके आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद अभी आपने ये भी कहा कि साठ साल पहले जो वादा किया होगा किसी ने वो भी आज मोदी जी पूरा कर रहे हैं मैं खुद आ, हमने इसका प्रेजेंटेशन किया था और युवा अचंभित हुए मतलब बिहार में ऐसे बड़े बड़े पुल जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने जहाँ पे जिस पुल का सिर्फ शुरुआत की थी भूमि पूजन का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था आवंटन पैसे के उस वक्त 30 करोड़ थे फिर 3000 करोड़ हो गए लेकिन कभी वहाँ का पुल ही नहीं बना आज वो पुल बन रहा है आज नहरों पे पुल बढ़ रहा है पानी लोगों तक पहुंच रहा है हर घर जल जो बहुत सालों तक होना चाहिए था आदमी रोटी कपड़ा मकान सिर्फ फिल्मों के नाम से ना करते हुए आज 80 करोड़ लोगों तक जब अनाज पहुंचता है नॉनस्टॉप उनके लिए अनाज पहुंचता है अनाज कहीं एफ के कोई गोदामों में तो सड़ता नहीं है या कोई बिचौलियाँ तो ले नहीं जाता है आज वो बिचौलियों को बन करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डायरेक्टली आपके घर सरकार आपके घर सेवा आपके घर समर्पण आपके तक ये करना काम आसान नहीं था 140 करोड़ जनता जब होती एक देश में लेकिन ये हमारे लिए मैं सहज नहीं कहूँगी था लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी कठिनाई में से भी ये काम सहज रूप से करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है अच्छा हम बहुत बात आगे डिटेल में करेंगे आपकी सरकार के काम की नौ साल की सब कुछ लेकिन अभी जो ये जिस एक मुद्दे पर पूरा देश उद्वेलित सा है उस पर आपकी राय में चाहता हूं मणिपुर में जो कुछ हुआ और वो जो वीडियो हमारे सामने आया दो महिलाओं के साथ जो कुछ उसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है इस पर विपक्ष बहुत आक्रामक भी है आपकी सरकार से सवाल पूछे भी जा रहे हैं और मुझे लगता है आपको एतराज भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां भी आपकी सरकार है केंद्र में भी आपकी सरकार है लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन ये यहा, यहां तक हालात आने दिए इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है क्योंकि सेंटर में भी आप है स्टेट में भी आप है जो हुआ वो तो खैर हमें दिख ही रहा है मणिपुर शर्मनाक बात हुई इसी के लिए मुझे नहीं लगता ये कोई हम कांग्रेस पार्टी नहीं कि इससे हाथ खड़े कर दें या किसी और को सवाल पूछें जो उन बेटियों के साथ हुआ मुझे लगता है पहले प्रधानमंत्रियों के जिन्होंने स्टेट का विषय तो बहुत सारे प्रधानमंत्री लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय करके बोल के छोड़ देते हैं लेकिन ये पीड़ा जनता को हुई और इतनी ही पीड़ा प्रधानमंत्री जी को भी हुई संसद जब सदस्य संसद का जब सत्र शुरू हुआ उसी वक्त उन्होंने ये विषय भी कहा और कहाँ की सख्त के सख्त सज़ा इन सब पीड़ितों को जिन जिन्होंने तकलीफ दी उनको ज़रूर होगी और मैं कल से कह रही हूँ कि मणिपुर सरकार पूरी तरह जो हो सके मतलब उसके लिए साम दाम दंड भेद हो सके हमारी बेटियों की जिसने इज्जत उतारी है उनकी और जिस प्रकार से वीडियो हमने ये दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है वीडियो इतना विचलित करता है मैं खुद माँ हूँ हम जो हो सके वो करेंगे और ऐसी सज़ा देंगे कि जो मणिपुर में हुआ है वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार करी है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार करी है पश्चिम बंगाल में दीदी की सरकार कर रही है उनको भी एक प्रकार का उदाहरण दिखाएंगे कि बेटियों पर आप ऐसी नज़र नहीं दे सकते कभी नहीं लेकिन ये वारदात ढाई महीने पुरानी है और उसकी तस्वीर आई केवल अब लोग कह रहे हैं कि भाई ढाई ढाई महीने के अंदर आ, किसी को पता नहीं था क्या हुआ है वहां पर वहां पर आज वो कल्प्रिट भी तब पकड़े जाते हैं उनमें से भी दो ही लोग गिरफ्तार हुए हैं जब वीडियो सामने आ जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं चार हो गए आ, मैं ये नहीं कहूँगी चार हुए दस हुए देखिए मणिपुर की अभी स्थिति जो चल रही है हम सब जानते हैं मणिपुर की स्थिति किस रूप से उसका इतिहास क्या है मणिपुर को लेके मैं जब पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कहती हूँ पहली बार पूर्वोत्तर राज्य भारत के मैप पे इकट्ठे दिखाई देते हैं आप जानते होंगे फिर से आप कहेंगे साठ साल पुराना आप क्यों कहती है लेकिन पूर्वोत्तर राज्य कभी भी भारत का हिस्सा नहीं होते थे कांग्रेस ने इस रूप रूप से डिवाइड एंड रूल किया था पूर्वोत्तर राज्यों में कि पूर्वोत्तर राज्य में कभी विकास नहीं हुआ हर छोटे छोटे वहाँ के समुदाय हैं उनकी कभी इज्जत नहीं रखी गई और हर वक्त पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग थलग रखा गया मुझे लगता है जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तभी पहली बार पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के साथ जोड़ा और आज पूर्वोत्तर राज्यों में आप देखेंगे जब मणिपुर में पहले आ, कानून नहीं था वहाँ पे दिक्कत इतनी होती थी वहाँ की महिलाओं को तकलीफ होती थी कभी मुझे मुंबई में पता नहीं होता था मणिपुर में क्या हो रहा है आज मणिपुर भारत का एक हिस्सा है इसका गर्व भी होता है कि मणिपुर अच्छे रूप से काम कर रहा है लेकिन पीछे का इतिहास मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि इतिहास ज़मीन से जुड़ा हुआ है इतिहास इंटरनेशनल ताकतों से जुड़ा हुआ है इतिहास वहाँ का समुदायों में लड़ाई कराने का भी इतिहास है और वो इतिहास इसीलिए है क्योंकि डिवाइड एंड रूल जो एक कॉन्स्प्रेसी के रूप से कुछ यहाँ की हमारी पार्टियाँ कर रही है और कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्प्रेसी के रूप से इसको कर रही है इससे मणिपुर जल रहा है लेकिन जो कुछ है हमारी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी ये जिम्मेदारी लेने के और जिम्मेदारी के रूप से उस बयान को आगे ले जाने के लिए गृह मंत्री वहाँ पे गए समुदायों से बात की और आप जब आप जानते होंगे मतलब आप पत्रकार हैं आपके पास इतना गाढ़ा अनुभव है ये जो समाज है मैं नाम इसलिए नहीं लेती क्योंकि एक समाज या दो समाज के हिसाब से हमें बात नहीं करें हम सब भारतीय हैं लेकिन इन दो समाजों की जो लड़ाई शुरू हुई कोर्ट का जो फैसला हुआ जो हमारे हाथ में नहीं था एक बार समाजों में जब एक प्रकार का गुस्सा निर्माण होता है दुख इस बात का लगता है समाज में एक महिला करके कि हर वक्त पुरुषों की लड़ाइयों में सदियों से महिला एक पौन करके या उसका एक आप शतरंज में जैसे हिस्सा करके आप उसको खेलते हैं आप उसको क्यों ऐसा इस्तेमाल करते हैं महिलाओं को तो ये एक सामाजिक मुद्दा भी है लेकिन जब फिर से हम लॉ एंड ऑर्डर में वापस आते हैं तो बिल्कुल मणिपुर सरकार समय क्यों लगा शहर से पाँच हज़ार एफ़ हैं आज मणिपुर में इतनी सारी दिक्कतें हैं किस समाज पे किस महिलाओं पे किधर क्या अत्याचार हुए किसके घर जले मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि जब 1992 में श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट पे काम शुरू हुआ था या कहीं पे भी दंगों का या जब समाजों में लड़ाईयों का जब काम शुरू होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों पर काम करना पड़ता है हज़ारों रिपोर्ट्स निकलती हैं हज़ारों एफ़ होती है आपको लोगों को और आप जानते हैं कि मणिपुर का हिस्सा कैसे हैं वो हिस्सा निचला भी हिस्सा है आपको पहाड़ों पे भी जाना पड़ता है so, ठीक है नहीं देखिए इस लेकिन... पे कोर्ट की रूलिंग से हुआ इस पे पूरी तरह मैं, मैं बिल्कुल इसलिए मैं कह रही हूं मैं, मैं, मैं स्वीकार करने के लिए भी तैयार हूँ उसमें सच्चाई भी ये भी सच है कि जिस तरीके से पिछले नौ साल में इस सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मेन स्ट्रीम इंडिया के नजदीक लाने की कोशिश की वो भी दिखाई देता है लेकिन आज विपक्ष ये कह रहा है कि ढाई साल ढाई महीने में प्रधानमंत्री कभी नहीं बोले प्रधानमंत्री वहां गए नहीं एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने में इतनी देर लगी उनको आरोप यह है कि आपकी सरकार ने वो सजगता नहीं दिखाई नहीं विपक्ष ने तो कभी नॉर्थ ईस्ट भारत को दिखाया नहीं सबसे पहले ये एक बात है ये कांग्रेस मुझे दुख लगता है कि कांग्रेस ही विपक्ष है और जिस प्रकार से खेल अभी कांग्रेस खेल रहा है इसके बारे में ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहती कांग्रेस मैं कह रही हूँ मणिपुर के लिए नहीं उनको तकलीफ हो रही है जब तक उनके राजकुमार राहुल गांधी जब तक पार्लियामेंट में वापस नहीं आएंगे ना ये पार्लियामेंट में भी चलने नहीं देंगे आप इसके पीछे की कॉन्स्परिसी देखिए फिर से एक बार कह रही हूँ जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ है जिम्मेदारी हमारी है क्या हुआ क्या नहीं हुआ अफसरों ने क्या किया किसकी जिम्मेदारी थी इन इफिशियंसी थी या उसके पीछे की कॉन्स्परिसी थी उसके लिए हमें पूरी तरह तैयार है मुख्यमंत्री क्यों नहीं? नहीं? क्यों नहीं? को हटाए देखिए मैं आपको कह रही हूँ जो निर्णय सरकार के बारे में जो लेना चाहिए पार्टी लेगी वो लेगी लेकिन अभी इस्तीफा जरूरी है या किसी को पकड़ना ज़रूरी है दिखाना जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर इन मणिपुर इज इंटैक्ट हमारी मणिपुर की जनता सेफ है सुरक्षित है महिलाएं सुरक्षित है यह हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी की बात है ये आप सुनिश्चित करेंगे ये बिल्कुल सुनिश्चित खुद प्रधानमंत्री जी ने अभी आप, अब आप, आपने आप कहा कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी राहुल गांधी तो गए वहां पर कांग्रेस ही पूछ रहे हैं ना हाँ। कि राहुल गांधी जा सकते हैं तो बिल्कुल पॉलिटिकल टूरिज्म तो राहुल गांधी जी का एक बहुत फेवरेट पास टाइम है पॉलिटिकल टूरिज्म इट्स नॉट पोलिटिकल वर्क पोलिटिकल टूरिज़म और मैं बहुत दावे से इसलिए कह रही हूँ और आ, सोच के लिए कह रही हूँ कि जब मणिपुर के डीजीपी उनको कहते हैं कि ऐसी जगहों पे ना जाए जो संवेदनशील जगह हैं आज मणिपुर जल रहा है और इसके बहुत बड़े रिपल इफ़ेक्ट आने वाले महीनों में होंगे तो आप क्यों गए ये पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं था आपका ये आपके ड्रामेबाजी नहीं थी आपको इतना करना था, था तो आपने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए कितने पैसे दिए आपको पता है, खुद गृह मंत्री उनतीस मई से लेके दो तारीख तक हर समाज से मिले महिलाओं से मिले बहुत सारी चीजें ठीक हो गई थी अच्छे डॉक्टर वहां तक पहुँचे व्यवस्था वहां तक पहुँचे पिछली बार जब आप जानते हैं आयरॉन शर्मिला के समय पे मणिपुर में रास्ता नहीं था मणिपुर तक पहुंचने का किसी को दवाई या कुछ खाना वाना पहुँचाना है तो आज मणिपुर तक हम पहुंच रहे हैं मणिपुर के लोगों को जिस प्रकार से सजग जो ज़रूरत थी वो कर रहे हैं सरकार जो कर सकती थी और करना चाहिए वो हम पूरा करेंगे हम इससे कभी भी पीछे हटेंगे नहीं लेकिन पॉलिटिकल टूरिज्म को अभी कभी एंटरटेन नहीं करेंगे आपने ये भी कहा कि राहुल गांधी जब तक दोबारा सांसद नहीं बन जाएंगे उनकी पार्टी संसद भी नहीं चलने देगी संसद तो नहीं चल रही है बात सही है वो आपको जिम्मेदार मानते हैं नहीं हमको कैसे जिम्मेदार मानेंगे सरकार है सरकार की जिम्मेदारी है चलाना आप चर्चा नहीं चाहते मणिपुर पर बात हो जाए आदरणीय रक्षा मंत्री जब खड़े हुए राजनाथ जी ने कहा आप चिल्ला क्यों रहे हैं चलो चर्चा शुरू करते हैं नहीं राजनाथ जी ने कहा कि रक्षा मंत्री खुद मैं कह रहा हूँ हमें चर्चा करनी चाहिए तो फिर आपने तमाशा करके बड़े बड़े प्लैकआट करके क्यों चिल्ला रहे थे तो आपका हम कहने का मतलब क्या था और ये इस बार का सत्र नहीं है मैं आपको कहना चाहती हूँ पिछले आठ से दस सत्रों के पहले कोई ना कोई कॉन्स्प्रेसी जानबूझ के लाई जाती है वो कोई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री हो सकती है वो किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो सकती है किसी का अभ्यास भारत पे हो सकता है क्या विदेश से आया हुआ या कोई भारत का नेता भारत के नाम पे विदेश में जाके भारत की छवि खराब कर सकता है ऐसी कितनी सारी चीजें हो रही है इसके पीछे भी कभी अभ्यास होना चाहिए आपकी पार्टी तो कह रही है ये कल से कह रही है कि पार्लियामेंट से का सेशन हो। शुरू होने से पहले क्यों आता है आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वीडियो भी क्यों आया है एक दिन पहले सेशन से देखिए सवाल है वीडियो क्यों आया है लेकिन मैं फिर से इसको बाजू में करूंगी वीडियो क्योंकि हमारी बहनों पे अत्याचार हुआ है तो वीडियो का समय बिल्कुल इस पर कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बट आज वो होनी चाहिए क्या नहीं आज हमारी बेटियों की इज्जत ज़रूरी है और वही भारतीय जनता पार्टी जानती है लेकिन आने वाले समय में मैं फिर से कह रही हूँ मैं मीडिया के मेरे दोस्तों को भी कहना चाहती हूँ जरा आप भी पीछे मुड़ के देखिए आप भी सत्रों को रिवाइंड करके देखिए वाई दिस कम्स एज अ कॉन्स्परेसी समथिंग वेन जस्ट सत्र शुरू होने ही वाला है कि कोई विदेश से विदेश में कोई नेता जाके भारत की इज्जत और उसका सम्मान खराब करते हैं ऐसे क्यों होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा या ऐसे होता जा रहा है आप कह रही हैं कि वो देश का सम्मान खराब करते हैं वो कहते हैं मैं देश की हकीकत बता रहा हूँ देश की हकीकत की देश के लोग सुखी नहीं है इसलिए आपकी सरकारें आती नहीं है इसलिए आप प्रधानमंत्री आपके सपने में बन सकते हैं लेकिन आप सच्चाई में प्रधानमंत्री नहीं बन रहे क्या बात कर रहे हैं इतने बड़े युवा नेता हैं जो पचपन साल में भी युवा है जो अच्छी बात है हमारे लिए भी हम भी कह सकते हैं आगे आने वाले समय में लेकिन युवा सोच तो उनमें दिखती नहीं है इतनी आ, पुरानी सोच को लेके पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी चल रही है और भारत के बारे में आपको भारत से दिक्कत है भारत के कुछ पार्टियों से दिक्कत है तो यहाँ पे आके बात करिए कुछ ना कुछ संस्कार कहीं ना कहीं गलत होंगे कि आप घर की लड़ाई कभी बाहर जाके हम कहते हैं घर में समझो दिक्कत है आपको ये मुझे घर में किसी चीज़ की दिक्कत है तो हम घर में बैठ के सुलझाते हैं कहीं बाहर जाके उसका डंका तो नहीं पीटते ना तो आप अपने देश का नाम खराब कर रहे हैं आज की दुनिया में कनेक्टेड वर्ल्ड में इंटरनेट no, एज के अंदर आप यहाँ बाहर बोले, बोले क्या फर्क पड़ता है सर कनेक्टेड वर्ल्ड में नहीं आप किसी कॉलेज के कार्यक्रम में जाके वहाँ के प्रोफेसर बाहर के लोगों को कहते हैं ये ठीक नहीं है और ये कनेक्टेड वर्ल्ड है ना तो ये भी दिखाइए ये कनेक्टेड वर्ल्ड में इतनी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस 9 साल में कैसे आ गई ये कनेक्टेड वर्ल्ड में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग कैसे हुआ यही कनेक्टेड वर्ल्ड में डेमोक्रेसी क्यों है इसलिए सोशल मीडिया में आप जितना बोलते हैं वही दिखता जितना हम बोलते हैं तो कहाँ लोकतंत्र पे आप सवाल उठे इम्पॉर्टेंट क्या है उनके इल्ज़ाम या कहाँ इल्ज़ाम लगाया ये नहीं, नहीं उनके इल्ज़ाम देखिए उनके इल्ज़ाम तो मैं बहुत सीरियसली लेती नहीं हूँ लेकिन बुरा ऐसे लगता है कि आपके सपने पूरे करने के लिए मतलब घर का राजा बेटा आगे बढ़े इसलिए कुछ भी बाकी चीज़ों की साम दाम दंड भेद छोड़ के इज्जत किसी और की रहे न रहे सो उनके सपने पूरे करने के लिए कांग्रेस पार्टी देश की छवि खराब करे इसकी दिक्कत है मुझे वो कहते हैं कि आपने देश में हर हर संस्था को कैप्चर कर लिया है और वो ये डर दिखाते हैं देश को कि ये अगर चलता रहा तो एक दिन लोकतंत्र खत्म होगा इस देश में इलेक्शन होना बंद हो जाएगा कौन सी संस्थाएं हैं हैं सर इन वो, वो, वो में... वो इलेक्शन कमीशन को वो मानते एक सारी जांच जब तक उनके चुनाव वो वो जीतते तो इलेक्शन कमीशन करते हैं शामिल हां जो मीडिया में जब उनके बारे में वाह वाह ये होती तभी वो क्या कहते हैं मीडिया को हम तो आपको सवाल नहीं पूछ रहे कि आप हमें मुझे क्यों कड़े सवाल पूछते हैं क्योंकि ये लोकतंत्र है फिर ये कौन से लोकतंत्र की सवाल और जवाब वो पूछ रहे हैं आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए कि जिन जिन इलेक्शन कमीशन फिर आप चुनाव कैसे जीत रहे हो तो इलेक्शन कमीशन आपकी साइड से हो जाएगा जब आप चुनाव जीतोगे और जब आप चुनाव हारोगे तो इलेक्शन कमीशन झूठ है ये तो बात नहीं है वहां पे भी बैठे हुए इंसान है आप उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हो आप हर कोई अफसर जो सीबीआई में हो ईडी में हो इलेक्शन कमीशन में हो कहीं फला फला हो आप उस अफसर की जो आपके साथ आपके सरकार में काम कर चुके होंगे उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल पूछे रहे फॉरगेट बीजेपी एंड एनडीए हाउ कैन यू क्वेश्चन इंडियार्स क्रेडिबिलिटी मतलब आपकी सोच कितनी गंदी हो सकती है इसका दुख होता है मुझे जब युवा राजनीति की ओर देखते हैं और ये ऐसे सवालों पे हम डिबेट करते हैं हिमाचल ने दिखाया अब कर्नाटक ने दिखाया टाइड इज टर्निंग इन वट सेंस आपके खिलाफ हम <laughs> कोई खिलाफ नहीं है देखिए हिमाचल में मे बी अरेथमेटिकली कहीं ना कहीं हम चूप गए चुनाव इज अल सम गेम और वहाँ पे समझो आधा प्रतिशत इधर उधर हो जाए तो हिमाचल चला गया और इट्स तो अ वेरी स्मॉल स्टेट कभी भी गणित भी बहुत ज़रूरी होता है जो हिमाचल में हुआ कर्नाटक में दिक्कत हुई आ, कहीं ना कहीं जाके कर्नाटक का एक कर्नाटक तमिलनाडु में कभी सरकार यहाँ और वहाँ रहती है और जहाँ जहाँ पे गलती हुई हम ले जाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि एक कर्नाटक आप जीत गए वो भी किसी एक नेता पे कांग्रेस और राहुल गांधी को देख के कर्नाटक नहीं जीते हैं वो उनके लोकल नेताओं के रूप से वो कर्नाटक जीते इसका मतलब ये नहीं वो देश जीतेंगे इंडिया नाम देने से भारत का सम्मान आपने तो रखा नहीं मुझे इस पे टिप पर टिप्पणी करना हाँ, तो क्या इंक्लूसिव नहीं था ये अभी इंक्लूसिव हुआ है और यूपीए में तो सी वैसे भी साइलेंट था करप्शन का जो दस साल देश ने देखा हुआ है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है वॉट इज दिस आई एन डी आई ए और आपने देखना चाहिए इसमें बहुत उन्हें इनकी मीटिंग देखना भी एक मजाकिया एक एंटरटेनमेंट शो हो चुका है छब्बीस पार्टियाँ वो फिल्म आपने देखी कि नहीं मुझे पता नहीं आ, स्पेशल छब्बीस जी उसमें सारे छब्बीस अफसर बनते हैं अफसर तो होते नहीं हैं अफसर के पूरे भेस में आके अपनी लूटपाट करके घर चले जाते अपने अपने पैसे अपने पास रख देखते हैं इन 26 लोगों को देख के मुझे इस फिल्म की बड़ी याद आई और वो कह रहे सामने अड़तीस है वो भूल जाती है बीजेपी अड़तीस है तो क्या है अड़तीस है तो मैंने ये तो नहीं कहा ना अड़तीस के पीछे कोई नंबर नहीं है अड़तीस के पीछे लोग खुद एनडीए में आना चाहते हैं और नंबर देखिए नंबर सम गेंद से बात नहीं होती स्पेशल छब्बीस है तो है इसके पीछे का कारण भी है आप देखेंगे तो स्पेशल छब्बीस में बिहार के मुख्यमंत्री आते हैं और उनको हवाई जहाज़ पकड़ना होता है अभी ये तो हम तो अटकलें खबरें वहीं देखते हैं वो खुश नहीं है क्योंकि उनको आपने वो क्या यूपी के जगह पे इंडिया का आपने कन्वीन नहीं बनाया फिर हमारी ममता दीदी आके कहती है कि इंडिया जीतेगा और मुझे ही सब कुछ दे देना फिर वहां पे कांग्रेस को पता नहीं चलता क्या करना है फिर आप देखेंगे सीताराम येूरी और मतलब कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में आपने केरल में देखा है एक दूसरे का गला दबाते हैं लोग एक दूसरे को खत्म करने की भाषा करते हैं मैं खुद केरल में काम कर चुकी हूँ ममता बनर्जी जी के साथ अब इंडिया साथ में ला रही हो जहाँ पे अधीर रंजन दादा कह रहे हैं कि ममता जी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मार रही है मुझे ये मतलब ये कॉम्बिनेशन ही समझ नहीं पा रही हूँ मैं और उसके बाद आप इंडिया 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 बहुत जोर जोर से उसका आवाज़ कर रहे हैं लेकिन फिर उद्धव जी आके कहते हैं इसका कुछ हिंदी में भी जवाब होना चाहिए हम मराठी लोग हैं तो फिर कहते हैं कि इंडिया है लेकिन भारत जीतेगा ये पहले वो अपने कन्फ्यूजन से स्पेशल छब्बीस बाहर आए फिर उसके बाद में ऐसे कोई कन्फ्यूजन नहीं है उनके सामने तो गोल क्लियर है नरेंद्र मोदी को हराना है किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी तीसरी अच्छा? बार प्रधानमंत्री नहीं बने इफ़ नॉट नरेंद्र मोदी हो इसका जवाब मुझे दीजिए आज कांग्रेस पार्टी और हमने उनासी नब्बे इक्यानवे के चुनाव में भी देखा है जब तीसरी पार्टियों की सरकारें बनी हुई थी आपने देखा है मेरे पिताजी का भाषण भी है प्रमोद जी का उसमें कि ये मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी कैसी हुई है सो इस मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी ने कांग्रेस ने जानबूझ के खड़ा किया था कि बाद में आके कांग्रेस अपनी सरकार करे यू हैव सीन दैट ये कोई इतिहास बहुत पुराना भी नहीं है और कांग्रेस वही कर रही है आज कांग्रेस ये गेम प्लान में लगी हुई है प्रधानमंत्री नहीं हमारा होगा ये नहीं होगा हमारा फला नहीं होगा क्योंकि वह चाहते हैं कि अभी सब साथ में रहें मैं आपको दावे के साथ लिख के देती हूँ ये स्पेशल छब्बीस कुछ समय के बाद पहले प्रधानमंत्री की लड़ाइयों में ही अपने एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे इफ नॉट मोदी हो किस सवाल की जगह पे मैं कहती हूँ इट इज़ मोदी दैट्स वाई यू ऑल आर गेटिंग टुगेदर क्या होता है ना कभी कभी अच्छाई के सामने बुराई भी खड़ी रहती है इसी ज जमाने में ही है ना अच्छाई और बुराई राम और रावण ये तो चलता ही रहता है ये तो उसूल है और मसरूप से उस धर्म युद्ध के लिए भी तैयार है और रावण फिगरेटिवली बोल रही है ना या जैसे विचारों के रूप से मैं कह रही हूँ हाँ विचारों के रूप से मैं ऐसी भाषा का प्रयोग सिर्फ विचारों के रूप से कहती हूँ और धर्म की लड़ाई है देखिए दिल का रावण जला दे कहते हैं ना लोग कि आपके मन में जो रावण जैसे विचार है रावण जला दे तो ये विचारधारा स्पेशल छब्बीस क्यों कहा मैंने विचारधारा की लड़ाई है ना जनता के लिए हम कारण करने वाले लोग हैं और जनता की विचारधारा लेके चलते यही आत्मविश्वास है ये सब साथ में हैं जैसे आप पार्टी जो कहती है इनको जेल में डालो इनको ये करो मैं तो ये एक्चुअली सर्कस देखना चाहती हूँ

अजीत पवार साहब की पार्टी आज एनडीए का हिस्सा है अजीत पवार साहब के ऊपर आपकी पार्टी ने कितने इल्जाम लगाए सब भूल गए आप लोग अब बस चुनाव जीतना है आपका भी यही गोल है यही गोल उनका भी नहीं बिल्कुल भूले नहीं किसने कहा बोले हम हमने कहा है कहीं जाके कि अरे अजीत दादा हमारे साथ आ गए हम सब भूल गए बिल्कुल भूल गए बिल्कुल, बिल्कुल नहीं आप जानते दो हजार में अजीत पवार साथ में आए और शपथ ग्रहण किया उन्होंने देवेंद्र जी के साथ और शपथ ग्रहण के बाद थोड़ा यू टर्न हो गया उसके बाद शिंदे हमारे साथ आए ये कोई किसी पार्टी को हमने थोड़ी डरा धमका के कहा था हमारे साथ आए उनकी पार्टी की खुद की दिक्कतें थी उन्होंने एम में काम करके एक फ्रस्ट्रेशन देखा उस फ्रस्ट्रेशन से उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं लेकिन कोई और खा रहा है जेल हमें भेजा जा रहा है तो ये दिक्कत तो थी ना ये खुद अजीत दादा बोल चुके कोई हमने थोड़ी बुलवाया था उनको और जब अजीत दादा यहाँ पे आए तो काम बहुत बढ़िया चल रहा है तो कहीं ना कहीं जाके संस्कारों का भी बहुत बड़ा परिणाम होता है और पार्टी के संस्कार एनडीए के संस्कार और इंडिया के संस्कार में मैम दो दिन पहले प्रधानमंत्री ने भोपाल में बोला अपनी स्पीच के अंदर हर पार्टी का नाम ले ली के किस पर कितने हजार या लाख करोड़ का इल्जाम लाखों करोड़ के घोटाले का इल्ज़ाम है उसमें एनसीपी का भी नाम लिया था उन्होंने बिल्कुल एनसीपी है ना एनसीपी में बहुत बचे ना अभी वो वाली एनसीपी में और नाम जब बाहर आएंगे तो पता ही चलेगा ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थोड़ी अपनी फाइल बंद करके बैठी हुई है जो गलत है वो गलत है इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतांत्रिक रूप से कोई पार्टी हमारे साथ जनता के लिए काम करना चाहती है उसको हम ना कहें ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता इरिगेशन स्कैम सीधे अजीत पवार के ऊपर आरोप लगाते थे आप आ तो अजीत पवार जी पे आरोप लगाए उन पे इन्वेस्टिगेशन भी हुई है ना तो मेरा कहना है तो आप कभी जाके सवाल पूछिए उन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को क्या हुआ ऐसे कुछ नहीं ना कि हम कह रहे हैं। एजेंसी आपकी है? हमारी कैसी हो है? की है? सर, ये देश की एजेंसी फिर से आपने वही किया जो कांग्रेस कर रही है आपने एक ऑफिसर की एक इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे सवालियाँ निशान मैं किसी इंडिविजुअल ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूं मगर हाँ ये तो आ, आप ऑफिसर्स बोलती हूँ आप अगर आप ये कहती हैं कि कोई देश ये मान ले कि आज की एजेंसी पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पर नहीं चलती तो इस पर तो कौन यकीन करेगा आपने यकीन करना चाहिए या आपने उस पर स्टिंग करना चाहिए अपने उस पर काम करना चाहिए मैं तो कह रही हूँ ना मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये जो ड्रामा ऑपोजिशन निर्माण कर रही है उसके पौन आप बन रहे हैं मीडिया बन रही है और मैं कह रही हूँ समझो आपको लग रहा है ये सही है गलत है तो आपके पास तो आपकी खुद की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है मीडिया के पत्रकार रिपोर्टर आइए दिखाइए हमें कहाँ गलत जा रहा है देखिए लोकतांत्रिक रूप से हम ये सवाल आपको नहीं पूछ रहे कि कौन सी पार्टी किसके साथ जा रही है वो काम उस रूप से कर रही कि नहीं बहुत ज़रूरी है और मैं फिर से एक बार कह रही हूँ आज एन डी की कोई अजीत दादा हमारे साथ आए उनका स्वागत है दो में भी हमारे साथ आए थे उनमें इन्वेस्टिगेशन चल भी रही थी तभी उन्होंने यूटन लिया इसलिए हमने को ज्यादा इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई क्या? बिल्कुल नहीं। वो खुद बोल चुके हैं, साथ साथ है, हैं भाजपा के साथ जाना चाहिए अभी उनके परिवार का या पार्टी का कुछ इमोशनल ड्रामा हुआ उसमें क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहती आरोप तो आप पर है ना कि आप पार्टियां तोड़ती हैं आप समझ लो आपकी पार्टी सॉरी शिवसेना को आपने तोड़ा उद्धव ठाकरे से अलग आप लोगों ने कराया शिंदे साहब को आ, कैसे तोड़ा हथोड़ा लेके गए थे हम लोग नहीं हथोड़ा लेके नहीं ले, ले गए ले से ले से ले ले ले? लिखा हुआ था कि हमने जहाज दिया है देखिए कोई किसी को ना ये बड़े बड़े नेता है और कभी भी हर चीज को बहुत रिस्पॉन्सिबली बोलना बहुत जरूरी है जब छालीस एम साथ में मिलकर निकलते हैं आपको ऐसे लगता है कोई किस पे इतना कंट्रोल कर सकता है इस लोकतंत्र में इतना आपका विश्वास टूट गया है ये सरकारें दिखता क्यों नहीं है मतलब एकदम से ऐसे दिखता है सालों साल चलने वाली अंदर की आग जो शिवसेना भी, भी चल रही थी और वो राष्ट्रवादी में चल रही थी आपने अजित पवार जी का भाषण देखना चाहिए जिन्होंने बहुत अच्छे रूप से भाषण करके कहा कि 1999 से मुझे उप मुख्यमंत्री रखा जब मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता था और वहाँ से अब तक क्या प्रवास हुआ कितने काम मुझे करने दिए कितने काम कोई और कर रहा था आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस रूप से देखिए भाजपा को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी ये उनकी अंदर की आग दिक्कत परिवारवाद के रूप से परिवार में लड़ाई परिवार के कुछ चुनिंदा लोगों को ही देने वाली ताकत और बाकी जैसे शिंदे जी हैं मेहनत सालों साल करते आ रहे हैं पार्टी के ये सोल्जर थे बाड्रा साहब के बहुत लोग ये पूछते हैं कि अगर

और अमित भाई तभी पार्टी के अध्यक्ष थे वो बैठे थे अलेजली इन तीनों में चर्चा हुई चलो चर्चा हुई मान लिया उद्धव जी की बात सब सच है और अमित भाई तो सब झूठ बोल रहे हैं क्योंकि हम ठीक नहीं बोल रहे आप सही बोल रहे फिर दो में सरकार आने से पहले मेयर की चुनाव हुआ था समझो आपने कहा है कि ऊपर से नीचे तक 50 50 प्रतिशत पक्का हो गया था एकदम स्टैम्प पेपर पे लिखवा लिया था तो आपने भाजपा का मेयर ढाई साल के लिए क्यों नहीं दिया इस सवाल का जवाब अब तक शिवसेना ने मुझे नहीं दिया अक्टूबर में ही ये बात हुई थी सरकार आने से पहले चुनाव के बाद तो देखिए क्या होता है ये बोलने में बड़ा मज़ा आता है एक दिन की टीआरपी भी मिल जाती है लेकिन सच्चाई तो कभी ना कभी बाहर आती है मुद्दों के साथ बाहर आती है तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई और ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं था खुद अमित भाई बोल चुके हैं उसकी बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम हाँ सब बैठे हुए थे और ऐसी कोई बात नहीं निकली थी कि पचास ऊपर से नीचे तक आप पीछे मुड़ के देख सकते हैं आप वीडियोस देख सकते हैं तो क्या होता है जोर जोर से बोलने से झूठ सच निकलता है और सच अपने आप को खामोश रखता है कभी कभी वो भी गलत है चलिए शिंदे साहब आ गए उद्धव उद्धव जी ने आ, मान नहीं रखा गठबंधन का शिंदे जी अलग हो गए वो आपके साथ आ गए मुख्यमंत्री बन गए फिर बीजेपी को ये लगा ये चर्चाएं ये जो चली आपने भी देखी होंगी कि लग लगने लगा कि नहीं सिर्फ शिंदे साहब के आने से काम नहीं बन पाएगा विधानसभा चुनाव भी है लोकसभा चुनाव भी है एक हमें एक स्तंभ और चाहिए गठबंधन के अंदर एक एक और पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी वो कौन के आने से भी नहीं थी कि हमारा बहुमत आ जाएगा विधानसभा में या लोकसभा में उन्नीस को रिपीट कर पाएंगे okay, आप उल्टा सोचिए हमारे कॉन्फिडेंस को आप छोड़ दीजिए hmm. आप इतने MBA जो हमारे सामने खड़ी थी लड़ रही थी उनका कॉन्फिडेंस कितना हिला हुआ है आपने कभी देखा है वो इतने अंडर कॉन्फिडेंट थे कि वो जाना वो जानते थे कि जनता भाजपा के साथ जाएगी आदरणीय मोदी जी के साथ जाएगी हमें काम करना ज़रूरी है अभी काम का ही हिसाब जनता लेती है जनता अभी आप जाति प्रजाति और धर्म के रूप से बांटोगे तो आपको वोट नहीं देगी मेरा काम करके दिखाओ मोदी जी ने सिखाया हमें भाजपा की सरकार ने सिखाया समझो ये वो सीखे हुए हैं और वहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है और वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और सीखने के साथ हमारे साथ आए ऐसे नहीं लगता आपको हर वो उल्टा ही क्यों सोचते हैं हम भाजपा तो तैयार है देखिए भाजपा दो से अब तक तीन सौ तीन तक पहुंची है मैं बचपन से देखती आऊँ मैं भाजपा के साथ पैदा हुई हूँ तभी भी हम उन्नीस सौ अस्सी में उतने ही कॉन्फिडेंट थे मैंने देखा है घर में सब होता था और आज भी उतने आप कह कहे शिंदे जी हो या अजीत पवार हो वो विनिंग साइड की तरफ आना चाहते हैं इसलिए वो आए देखिए फिर से आप उसको घुमा रहे कि विनिंग साइड मे भी वो ये अपने आप की घुटन सहन नहीं कर पा रहे थे वो जानते थे कि अच्छा काम करना जनता के साथ जाना आज हमें कॉन्फिडेंटली पार्टी छोड़ के साथ में चलना चाहिए वो कॉन्फिडेंस चाहते थे मुझे लगता है वो थक गए थे एक दबाव से और आप उनके पूरे भाषणों से इंटरव्यू से देखिए इसमें भाजपा का को कोई संबंध ही नहीं है पार्टी में परिवारवाद के रूप से लड़ाई उसके बाद एक फेवरेटिज़्म सब लड़ाई में वो अपनी अपनी सूरत में मर रहे थे तो मैं आपको फिर से उल्टा कह रही हूँ भाजपा कॉन्फिडेंट है भाजपा हर वक्त कॉन्फिडेंट रहती है क्योंकि हम जनता के साथ जाते हैं गलत है तो कहते हैं गलत है और गलती सुधारेंगे लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस चाहिए था वो हमारे साथ हैं ये मुझे थोड़ा अच्छा ठीक है अब पवार साहब ये कह चुके हैं कि मैं तीन महीने में सब पहले जैसा करूंगा मैं पार्टी खड़ी करूंगा दोबारा और लोग बहुत से लोग मानते हैं आपकी तो कर्म भूमि है महाराष्ट्र की मे बी ही अ लास्ट फाइट लेफ्ट इन हिम पवार साहब बीजेपी की पिच खराब कर सकते हैं ही इज द लास्ट लेजेंड ऑफ महाराष्ट्र ऐसे कहने से मुझे कोई दो मिनट भी ये नहीं लगेगा कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ बहुत ही बड़े दिग्गज नेता हैं महाराष्ट्र के उनका सम्मान हम सब करते हैं और सम्मान होना भी चाहिए इतने साल सबसे युवा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के वो थे अभी मैं उसके इतिहास में नहीं जाऊंगी वो मुख्यमंत्री कैसे बने क्योंकि ये इतिहास का भाग है इतिहास में रहने दीजिए बट वर्तमान में जब आप देखते हैं कि इतिहास में जो हुआ वही वर्तमान में हम देखते हैं और राजनीति में जब खेली खेली जाती है तो समझो आपने बॉल दिया है तो किसी ने छक्का मारे तो उसको अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है ना आपको हर वक्त आपकी बॉलिंग पे कोई बोल्ड होता जा रहा है सालों साल उसका मतलब ये नहीं कभी कभी बॉलर भी थक जाता है और कभी कभी एक अच्छा बैट्समैन भी आ जाता है तो मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनका दिल से सम्मान करती हूँ बहुत दिग्गज नेता है राष्ट्रीय नेता महाराष्ट्र के नेता सालों साल मुख्यमंत्री रहे तो उनकी जो पारी वो लड़े मतलब इसके बारे में मैं क्या कहूँगी मैं बहुत छोटी हूँ अच्छा एक मुद्दा लेकिन जो देश की राजनीति में चल रहा है इस वक्त वो ये है वो है यूसीसी का मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा और प्रधानमंत्री ने चूंकि इसका जिक्र किया कि इसका समय आ गया है इसका विरोध नहीं होना चाहिए तो लोग ये मान रहे हैं कि क्या 2024 के चुनाव से पहले भाजपा इस पर आगे बढ़ेगी यूसीसी देश हित में है देश के लिए जरूरी है आना चाहिए जल्द आना चाहिए देखिए प्रधानमंत्री जी ने यूसीसी को हमारे सामने रखा उसमें छोटी छोटी अटकलों पे भी डिस्कशन होता गया फिर माइनॉरिटीज मेजोरिटी का क्वेश्चन करें मेजोरिटी माइनॉरिटी का क्वेश्चन करें नहीं यूसीसी ये है कि भारत में हर किसी को वही समान कायदा होना चाहिए समान कानून होना चाहिए क्योंकि हमें अभी मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स या माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करना बंद करना चाहिए भारत को जिस रूप से पूरा विश्व देख रहा है आज हम 2014 से पहले फ्रेजाइल फाइव इकॉनमी से जाके आज हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुए हैं हमने जिन्होंने हम पे 200 साल राज किया है उनको भी पीछे छोड़ के इंग्लैंड को हम आगे बढ़े हुए हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने देखा प्रधानमंत्री जी को जिस रूप से अमरीका के राष्ट्रपति जिस रूप से उनका स्वागत करते हैं रूस के राष्ट्रपति हो फ्रांस के राष्ट्रपति हो जिस प्रकार से भारत को सीरियसली नहीं भारत को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं भारत एक ब्राइट स्पॉट इस विश्व में बन रहा है और दो में जब हम सौ साल भारत के हमारी आज़ादी के मनाएंगे तभी टॉप थ्री में तो भारत बिल्कुल आएगा तो जब भारत इस रूप से बड़ा बन रहा है तो भारत को और मजबूत अंदर से भी होना बहुत ज़रूरी है फिर ये जो राजनीति होती है डिवाइड एंड रूल की वो भी बंद होना बहुत ज़रूरी है हर कोई चाहता ना कोई कभी कहता है मैं इस घर से आया तो मेरी गलती है कि या मैं उस घर से हूँ तो मेरी बढ़ाई होनी चाहिए एवरी थिंग हैज़ टू बी इक्वल एंड दैट इक्वालिटी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड तो उसके लिए ये कानून आना तो चाहिए वो कब आएगा वो तो सरकार तय करेगी ठीक है लेकिन आपने भी कहा कि बराबरी होनी चाहिए इक्वालिटी होनी चाहिए जो इसके हक में नहीं है -सी के वो कहते हैं भारत की खूबी डाइवर्सिटी भी है उसको ना भूलें और ये कानून आएगा वो उस डाइवर्सिटी पर चोट करेगा नहीं सर देखिए कानून जब आता है ना वहाँ पे हर वक्त बहुत सारे उसमें लॉग्स आते हैं कि वन ए वन बी यहाँ पे हम यहाँ कर सकते हैं यहाँ पे ये एग्जैम्शन दे सकते हैं समझो पहाड़ी राज्यों में ये हो रहा है ऐसे कुछ नहीं एक समानता होगी लेकिन कहीं ना कहीं जाके उसका अभ्यास भी ज़रूर होगा अभी तो अभ्यास शुरू हुआ है हमने लोगों से सजेशन ऑब्जेक्शन अभी कल परसों ही खत्म हुए मांगे हैं तो रुकिए है तो सही मेरा क्या कहना है जो देखा नहीं सुना नहीं कुछ किया नहीं उस पर सिर्फ बवाल करने से तो कुछ नहीं होगा नहीं मैं तो रुक जाऊंगा जैसे ओवैसी साहब है और उनका वो रेलिवेंट इसलिए इस चर्चा में क्योंकि उनका एक सांसद आपकी स्टेट से है हाँ है आ, वो इसलिए है क्योंकि अभी वो भी मुझे देखना है जब शिवसेना के साथ ये सारे सब साथ में मिल रहे हैं उनके सांसद का भी क्या होगा महाराज उनका कहना यह है कि ये बिल ये डॉगविशिल है और ये केवल मुसलमानों के लिए ही आ रहा है एक किस्म से मुसलमानों को सजा देने के लिए ही इसलिए सर इन्होंने ट्रिपल तलाक पे भी यही बोला है उनके बाद मैंने भी भाषण किया था मुझे दुख इस बात का है और मैं उनको अच्छा मानती हूँ इज अ बैरिस्टर वो बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन वो सिर्फ़ एक ही समुदाय के लिए बोलते हैं कभी वो तो इक्वालिटी के लिए बात करें मेरी दिक्कत यही है उनसे और ऐसी कोई बहुत पर्सनल दिक्कत उनसे नहीं है वो एक बहुत अच्छे हमारे सांसद हैं अच्छे से बोलते हैं लेकिन जो बोलना है इसलिए बरगलाना नहीं होता ना कि आप एक समुदाय के नेता क्यों हों भाई आपको तो वोट हैदराबाद में हर किसी ने किया तो आप एक समुदाय की जगह पे हर समुदाय को साथ में लेके क्यों नहीं बात कर सकते आप मुद्दों पे बात करिए ना आइए जब सभापटल पे आएंगे तो हम भी आपको बताएंगे आप भी हमें बताएं लेकिन हर चीज़ को न कागज़ हाथ में है न क्या बना हुआ है उसमें क्या रूल मुद्दे कानून आएंगे अब तक कुछ उस पर इतनी चर्चा शुरू नहीं हुई है तो उस पर पहले से इतना देखिए कॉन्फिडेंट आदमी है ना वो इतना टेंशन नहीं लेता कि वो सही कर रहा है जिसको पता है सब झूठ है और झूठ पे ही उसका बाजार चलता है उसको बहुत एंगजाइटी होती है तो मैं उनको कहना चाहती हूँ रिलैक्स आने तो दीजिए देखते हैं अच्छा आखिर में दो हज़ार में महाराष्ट्र था 41 वन आउट ऑफ फोर्टी एट इकतालीस अड़तालीस में से और देश में तीन सौ तीन बीजेपी महाराष्ट्र भी रिपीट हो सकता है और तीन सौ तीन भी पार हो सकता है आपने तो इस पर साढ़े तीन सौ का आपने आपको टारगेट दिया है टारगेट कुछ नहीं दिया है टारगेट जनता ने हमें दिया मैं आपको ये कहती हूँ जनता भाजपा को और मोदी जी को वापस लाना चाहती है देखिए मैं भी प्रवास करती हूँ मैं सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश भर में युवा मोर्चा में थी सब जगह घूमी नॉर्थ ईस्ट लेके दक्षिण कश्मीर सब जगह गई हूँ जनता का कॉन्फिडेंस भाजपा में और मोदी जी में बहुत ज़्यादा है ये बहुत ज़रूरी है इस समय पर वो देखना और हमें टारगेट ज़रूरी नहीं हमें जनता का काम करने का टारगेट बहुत ज़रूरी है लेकिन महाराष्ट्र में अड़तालीस में मुझे लगता है पैंतालीस तो बहुत ईजीली आ जाएंगे जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भी स्थिति है और ये नंबर मैं ऐसे ही नहीं फेंक रही हूँ नंबर आपको सीधा दे रही हूँ और इस नंबर में मुंबई की सारी सीटें होंगी महाराष्ट्र की बहुतांश सीटें होंगी तीन सीटें इसलिए मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि वहाँ पे गणित में देखा जाएगा कि बच्चे हुए यहाँ जा रहे हैं यहाँ आ रहे हैं किसका कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा सामने वाले इंडिया वाले भी हर किसी को कितने कौन से तांग कहाँ खींचेंगे तो उसका भी गणित ज़रूरी है देखने के लिए लेकिन जनता तीन आप उन्होंने कॉन्सोल्यूशन में दे रही हैं तीन सीटें मैं गणित पर दे रही हूँ गणित पे मैं इमोशन पे नहीं दे रही हूँ गणित पे दे रही हूँ कहीं गलती से छूट ना जाए लेकिन 48 पे कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है ये कॉन्फिडेंस जनता का भारतीय जनता पार्टी पे लेकिन 303 के पार तो हम इस बार होंगे और ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं ये जनता का आत्मविश्वास हम पे है बहुत शुक्रिया पूनम आजम से हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर